नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2020 के मैच नंबर 51 में दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस आमने सामने थी। मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल के लिए मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन इस मुकाबले में भी दिल्ली कैपिटल कुछ खास नहीं कर पाई और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और इस हार के साथ ही पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुकी है और दिल्ली कैपिटल की मुश्किलें बढ़ चुकी है। वहीं पर अब मुंबई इंडियंस यहाँ पर पूरी तरह से श्योर कि वो पहले या दूसरे नंबर पर इस लीग को फिनिश करेगी, यानी कि दोस्तों अब मुंबई इंडियंस के लिए आगे की राह आसान हो चुकी है। जहाँ तक की बात करें फाइनल में पहुंचने की, तो वहीं पर अब दिल्ली कैपिटल के लिए मुश्किलें हैं। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे आखिरकार पॉइंट टेबल में कौन सी टीम किस नंबर पर है, साथ ही प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए कितने मुकाबले जीतने हैं। इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में कि कौन से बल्लेबाज और गेंदबाज इस समय आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल 2020 के सिक्सर किंग के बारे में। तो तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा अंत तक। और साथ ही दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही आप भी मुंबई इंडियंस की शानदार जीत से खुश है तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मुकाबले की। तो इस मुकाबले में आज टॉस जीता मुंबई इंडियंस के कप्तान कायरन पोलार्ड ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, और उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि दिल्ली कैपिटल की टीम की शुरुआत काफ़ी खराब रही। उनकी तरफ से ओपन करने आए पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, लेकिन दोनों बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। जहां शिखर धवन टीम का स्कोर 1 रन था तो तीसरी गेंद पर आउट हो गए बिना खाता खोले वो ट्रेंट बोल्ट का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद पृथ्वी शॉ भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, वो भी ट्रेंट बोल्ट का ही शिकार बने। इसके बाद सरेश अय्यर और ऋषभ पंत ने यहाँ पर टीम को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन सरेश अय्यर राहुल चेयर का शिकार बने, वो 29 गेंदों पर 25 रन बना सके। तो वहीं पर इसके बाद मार्को स्टोइनिस आए जो जसप्रीत बुमराह का शिकार बने, जो मात्र 3 गेंदों पर 2 रन ही बना पाए। तो वहीं पर ऋषभ पंत भी 24 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ ली, वो भी जसप्रीत बुमराह का ही शिकार बने। वहीं पर सिमरन एटमायर ने 11 रन बनाए, तो वहीं पर हर्षल पटेल ने 5, रविचंद्रन अश्विन, कंगिसो रबाडा 12 और प्रवीण दुबे 7 की बदौलत टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 110 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे घातक गेंदबाजी की ट्रेंट बोल्ट ने, जिन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लिए। तो वहीं पर जसप्रीत बुमराह तो इनसे भी एक कदम आगे निकले, जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा कुंटर नाइल और राहुल चेहर को 1-1 विकेट मिला। वहीं पर 111 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस के लिए शुरुआत काफ़ी शानदार रही और क्यूटन डीकॉक और ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन क्यूटन डीकॉक 28 गेंदों पर 26 रन बनाकर एनरिक नॉर्जे का शिकार बने, लेकिन तब तक टीम का स्कोर 10.2 ओवर में 68 रन हो चुका था। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने मुकाबले को काफ़ी जल्द ही खत्म कर दिया। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे, ये इनकी नाबाद पारी थी। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को मात्र 14.2 ओवर में जीत दिला दी। वहीं पर गेंदबाजी की बात करें दिल्ली कैपिटल की, तो सिर्फ एक ही गेंदबाज को विकेट मिला, वो है एनरिक नॉर्जे, जिन्होंने 2.2 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल इस मुकाबले में बेरंग नजर आई और ये उनकी इस सीज़न में लगातार 4थी हार है, और इस हार के साथ ही अब उनके लिए प्ले ऑफ में पहुँचना और भी मुश्किल हो चुका है। अब इनका आखिरी मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ है, जो इन्हें जीतना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पॉइंट टेबल। तो पॉइंट टेबल में इस समय नंबर 8 पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने 13 मुकाबलों में से 5 मुकाबले जीते हैं और इस टीम के 10 अंक हैं। नेट रन रेट इनकी अब कोई मतलब नहीं रखती क्योंकि ये टीम प्ले ऑफ में नहीं पहुंचने वाली है, लेकिन ये अपने आखिरी मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब का गेम जरूर बिगाड़ सकती है। तो वहीं पर दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 7 पर है सनराइज हैदराबाद, जिन्होंने 12 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 5 मुकाबले जीते हैं। इस टीम की नेट रन रेट +0.396 है, जो कि काफ़ी शानदार है, और अब टीम ये 2 बचे हुए मुकाबले जीत लेती है तो फिर प्ले ऑफ की पक्की दावेदार बन जाएगी ये टीम भी 14 अंक के साथ। वहीं पर नंबर 6 पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके 13 मुकाबलों में से 12 अंक हैं, यानी कि 6 मुकाबले जीते हैं। नेट रन रेट इनकी -0.467 है और बचा हुआ मुकाबला इनका राजस्थान रॉयल्स के साथ है। अगर ये टीम राजस्थान रॉयल्स को हरा देती तो इसके भी प्लेऑफ में पहुंचने के चांस बन जाएंगे। वहीं पर नंबर 5 पर है राजस्थान रॉयल्स, जिनको अपना आखिरी मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेलना है, लेकिन इनकी नेट रन रेट अभी भी -0.377 है। इन टीम के पास 12 अंक है। आखिरी मुकाबला अगर ये टीम जीत लेती तो फिर इसके 14 अंक हो जाएंगे,
जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट फिर भी मसला रहेगी। अगर इनकी बेहतर रहती है तो ये प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। तो वहीं पर नंबर चार पर है किंग्स इलेवन पंजाब, जिनके 13 मुकाबलों में 12 अंक है। नेट रन रेट इनकी -0.133 है। अगर ये टीम चेन्नई सुपर किंग्स को हराती है और नेट रन रेट काफ़ी शानदार तरीके से प्लस में कर सकती है तो फिर इनका भी चांस हो जाएगा प्लेऑफ में पहुँचने का। तो वहीं पर नंबर तीन पर है दिल्ली कैपिटल, जिनके 13 मुकाबलों में 14 अंक है, लेकिन ये टीम पिछले 4 मुकाबले हार चुकी है और अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इन्हें भी अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, नहीं तो फिर ये नेट रन रेट जो कि इन समय इनकी -0.159 है, जो इनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या बनेगी। वहीं पर नंबर दो पर है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिनके 12 मुकाबलों में 14 अंक है। इनकी नेट रन रेट फिलहाल +0.048 है, लेकिन इस टीम को भी अपने बचा हुआ 2 मुकाबलों में से एक मुकाबला जीतना जरूरी है, नहीं तो इनके भी यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वहीं पर अब एकमात्र टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है और साथ ही साथ अब सिक्योर तरीके से वो नंबर वन पर भी पहुंच चुकी है। 13 मुकाबलों में इस टीम के 18 अंक हो चुके हैं और अब बचा हुआ एक मुकाबला इस टीम के पास और, अगर वो जीतती भी है या न जीते तो भी ये नंबर वन या फिर टू पर इस IPL को फिनिश करने वाली है। वहीं पर दोस्तों ऑरेंज कैप की रेस भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस रेस में कई खिलाड़ी शामिल है। तो इस समय नंबर 10 की बात करें तो मयंक अग्रवाल है 398 रनों के साथ। तो वहीं पर नंबर 9 पर पेप डू प्लेसिस है 401 रनों के साथ। नंबर 8 पर शुभमन गिल है, जिनके 404 रन है। तो वहीं पर नंबर 7 पर सरेस अय्यर है 414 रनों के साथ। नंबर 6 पर देवदत्त पड्डीकल है 417 रनों के साथ। तो नंबर 5 पर क्यूटन डीकॉक है 418 रनों के साथ। नंबर 4 पर विराट कोहली मौजूद है 424 रनों के साथ। तो नंबर 3 पर डेविड वार्नर है 436 रनों के साथ। वहीं पर नंबर 2 पर पहुंच चुके शिखर धवन, जो कि आज खाता भी नहीं खोल पाए 471 रन उनके, लेकिन नंबर 1 पर अभी भी लोकेश राहुल मौजूद है, जिनके 641 रन है, यानी कि 51 मुकाबलों के बाद लोकेश राहुल के पास है ऑरेंज कैप IPL 2020 का। वहीं पर पर्पल कैप की रेस की बात करें तो इस रेस में अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। जी हाँ, आज जसप्रीत बुमराह ने कमाल किया, लेकिन हम बात करते हैं नंबर 10 की, तो यहाँ पर राहुल चहर मौजूद है, जिन्होंने अब तक 15 विकेट लिए हैं। तो वहीं पर नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती है, इनके भी 15 विकेट हैं। नंबर 8 पर हेंद्रिक नॉर्जे है, जिनके 16 विकेट हैं। तो नंबर 7 पर राशिद खान है, इनके 17 विकेट हैं। नंबर 6 पर मौजूद है युजवेंद्र चहल, इनके 18 विकेट है। तो नंबर 5 पर चोपड़ा आर्चर मौजूद है, इनके 19 विकेट हैं। वहीं पर नंबर 4 पर मोहम्मद समी है 20 विकेट के साथ। तो नंबर 3 पर ट्रेंट बोल्ट आ चुके हैं, इनके भी अब 20 विकेट हो चुके हैं। तो वहीं पर नंबर 2 पर कंगिसो रबाडा है, इनके 23 विकेट है। लेकिन IPL 2020 में आज जसप्रीत बुमराह के पास आ चुका है पर्पल कैप, इनके भी अब 23 विकेट हो चुके हैं, यानी कि IPL के 91 मुकाबले में कंगिसो रबाडा को पीछे छोड़ते हुए जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं नंबर 1 पर्पल कैप के होल्डर इस समय 23 विकेटों के साथ। वहीं पर चले दोस्तों अब हम बात करते हैं IPL 2020 के टॉप 10 सिक्सर किंग खिलाड़ियों के बारे में। तो नंबर 10 पर इस समय यान मॉर्गन है 18 छक्कों के साथ। तो वहीं पर नंबर 9 पर पहुंच चुके क्यूटन डीकॉक 18 छक्कों के साथ। अब नंबर 8 पर कायरन पोलार्ड मौजूद है, 18 छक्के उनके भी हो चुके। तो नंबर 7 पर AB डिविलियर्स है, इनके 20 छक्के हो चुके हैं। वहीं पर नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, इनके 20 छक्के हैं। तो वहीं पर नंबर 5 पर लोकेश राहुल है, जिनके 22 छक्के हैं। नंबर 4 पर क्रिस गेल है, जिनके 23 छक्के हो चुके हैं। तो वहीं पर नंबर 3 पर ईशान किशन मौजूद है, जिनके 24 छक्के हो चुके हैं। वहीं पर इस लिस्ट में नंबर 2 पर निकोलस पूरन मौजूद है, जिनके 25 छक्के हैं। लेकिन IPL 2020 का सिक्सर किंग अभी भी संजू सैमसन मौजूद है और संजू सैमसन ने इस साल 26 छक्के लगाए हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी चार टीमें प्लेऑफ में पहुंच रही है और साथ ही कौन से वो खिलाड़ी है जो यहाँ पर ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और सिक्सर किंग के रूप में बनकर उतरेंगे या फिर विजेता बनेंगे? आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।